हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे पकोड़े डिफरेंट टाइप का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पकोड़े बनाने के लिए पहले हमें बैटर तैयार करने। तो चलिए बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बेसन। मैं यहाँ पर 1 कप बेसन यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं दूंगी राइस फ्लावर, चावल का आटा 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1 अजवाइन, जिसको मैं पहले हाथ में ऐसे लेकर थोड़ा क्रश कर लूंगी। उसके बाद मैं इसको डालूंगी और आपको स्वाद अनुसार नमक। अब पानी देकर मैं बैटर को तैयार कर लूंगी। ये बैटर थोड़ा सा ठीक होगा। तो लीजिए, हमारा बैटर बिल्कुल राइट टेक्सचर आ गया है इस बैटर में। अब मैं इसमें थोड़ी सी वार्म ऑयल डालूंगी। ये ऑयल डालने के वजह से हमारा बैटर का कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर अच्छा हो जाता है और हमारा पकौड़े को वो क्रंची बनाता है। और हमने जो पहले चावल का आटा डाला था उसके वजह से भी हमारा पकौड़े कवर बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। लीजिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हमारे जो ब्रिंजल इसको डालूंगी, अच्छी तरह से कोट करूंगी और इसको फ्राई करने दो। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं उस बैटर में डिप किया हुआ ब्रिंजल इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं कैप्सिकम डालूंगी। मैं इसको रिंग पीस में कट किया हूँ। कलम के पत्ते इस तरीके से डिप करके मिर्ची, हरी मिर्च ये भी डिप करके सभी डालूंगी। पूरी तरीके से हम और भी जिंजर, कैप्सिकम, मिर्ची हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो लीजिए, हमारा स्नैक्स बिल्कुल तैयार है।